हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और करवा चौथ पर आप लोगों की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस वक्त मैं हूँ किचन में, और मेरे यहाँ जो है दोपहर को करवा चौथ वाले दिन बनाया जाता है कढ़ी और चावल। मैंने बस वही बनने रख दिया है। और यहाँ पर मैंने पकौड़ियाँ तैयार कर ली हैं। पकौड़ी जो है आज मेरी थोड़ी सी फैल गई हैं, पता नहीं क्यों जो है। और साथ ही में मैंने जो है शाम के खाने के लिए तैयारी कर ली है। ये प्याज और टमाटर मैंने निकाल लिए हैं, ताकि जो है मैं इसका मसाला पेस्ट बना सकूं, ताकि जो है शाम की अगर तैयारी करके रखूंगी ना तो जल्दी हो जाएगी। ये आलू छील लिए हैं, मुझे मेथी आलू बनाने थे इसीलिए मैंने उसके लिए आलू को छील के रखा हुआ है। अगर तैयारी की हुई होती है ना तो शाम को थोड़ा जल्दी हो जाता है, इसीलिए मैंने कहा जितनी देर में कढ़ी तैयार होगी उतनी देर में मैं जो है ये मसाले का और ये आलू वगैरह का काम ख़त्म कर लेती हूँ। यहाँ मेरी कढ़ी में उबाल आ गया है। हमारे यहाँ जो है दोपहर को कढ़ी बनती है। मेरे मायके में भी कढ़ी चावल बनते थे दोपहर के टाइम पर, और मेरे ससुराल में भी कढ़ी चावल बनते हैं, तो इसीलिए मैं भी दोपहर को कढ़ी चावल बनाती हूँ, फिर शाम को जो है करवा चौथ के हिसाब से जो भी खाना बनता है वो बनाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब मैं बनाऊँगी पूजा का खाना। और पूजा का खाना जो मतलब पूजा में जिस जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी अब मैं वो बनाने जा रही हूँ, जो हमें करवा में भरना पड़ेगा। और इस वक्त करीब मेरे ख्याल से 4:30 का टाइम हो रहा होगा, और फटाफट से मैं खाना रेडी कर लेती हूँ पूजा का, और उसके बाद मैं तैयार होकर जो है कथा करवा माता की कथा पढ़ूँगी, और उसके बाद जब चंद्रदेव आएंगे तो उनके दर्शन कर लेंगे और हम चंद्रमा को जो है जल दे देंगे। तो शुरू करते हैं हम पूजा का खाना बनाना, तो आप लोग मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए। यहाँ मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ, और मैंने यहाँ पर जो है पनीर को कट करके रख लिया है, और मैं अब पनीर को थोड़ा सा कढ़ाई में डालकर फ्राई कर लूँगी। जब पनीर थोड़ा सा टाइट सा हो जाता है ना तो मुझे अच्छा लगता है, इसमें फ्राई करके डालती हूँ। और यहाँ मैंने खीर बनने रख दी है। खीर जो है जब तक बनेगी तब तक जो है मैं अपना कोई और काम देख लूँगी। और यहाँ पर जो है मेरी सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी हो रही है। थोड़ा सा ये पनीर जो है फ्राई हो जाएगा, उसके बाद इसी तेल में मैंने जो है गरम मसाले और प्याज डाल दिया है, और इसको जो है मैं थोड़ी थोड़ी देर तक ऐसे ही भूनती रहूँगी। और मेरा प्याज जो है जब तक भूनेगा तब तक जो है मैंने अपना टमाटर वगैरह उसकी चीवरी भी रेडी करके मतलब रख ली है, ताकि मैं डाल सकूँ। और ये हैं सूखे मसाले जो भी मुझे इस सब्ज़ी में ऐड करने हैं। सारे सूखे मसाले जो है मैंने अलग से पहले से ही निकाल के रख लिए हैं, ताकि किसी भी तरीके की कोई देरी ना हो। और मैं इस प्याज में जो है अब ये सूखे मसाले जो है ऐड कर दूँगी, और इसको जो है मुझे तेल छोड़ने तक जो है काफ़ी देर तक ऐसे भूनना है, जब तक इसमें तेल नहीं छूट जाता है। और उसके बाद जो है जब हल्का हल्का इसमें से तेल निकल आएगा तो मुझे अब इसमें टमाटर की ये प्यूरी भी ऐड कर दूँगी, ताकि ये फटाफट से पक जाए। और मैंने जो है अपना जो है ऑलमोस्ट सारा खाना जो है रेडी कर लिया है। ये मेरी कढ़ी है और चावल थे, और ये है पनीर की सब्ज़ी, और ये है मेरी मेथी आलू। और मेथी आलू के बाद जो है ये मैंने जो है यहाँ पर अपनी पूड़ियाँ वगैरह भी तल के रख ली हैं, क्योंकि पूजा का काम बाद में फ्री होके करूँगी। अगर खाने का काम निपट जाता है ना तो फिर आदमी फ्री होकर जो है पूजा पाठ में लग सकता है, नहीं तो पूजा करने के बाद सीधे फिर खाने में लगना पड़ता है, तो इसीलिए पहले ही बना लिया मैंने। और ये मैंने अपनी पूजा की भी तैयारी कर ली है ऑलमोस्ट, और ये है मेरा सामान जो मैं तैयार होंगी करवा चौथ पर। सारा जो भी श्रृंगार का सामान होता है, चूड़ी बिंदी और सिंदूर वगैरह, सारी चीज़ें मैंने पहले से ही निकाल के रखी हैं। Yeah.
दोस्तों, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और आप लोगों को करवा चौथ की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। और ये था मेरी करवा चौथ की थाली, और अब मैं जा रही हूँ व्रत खोलने के लिए। हैप्पी करवा चौथ आप सभी लोगों को फिर से।